हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक वाली क्लास इन जॉब स्टेल में। दोस्तों, आज के जो मैं बात करेंगे हम असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब्स, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ स्टेप्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आया है और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू रहेगा और यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी फैकल्टी इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी। तो ये जो है आपकी पोजीशन जो रहेगी वो टेम्परेरी रहेंगी और यहाँ पे अगर आपको सेंसर क्वालिफिकेशन या नंबर पर पोस्ट वैकेंसी देखनी है तो आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.csvtu.ac.in पर जाके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फीस आएगी वो ₹3,000 आएगी फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और 1,000 फॉर SC ST के लिए रहेगी। ठीक है, और जो ये आपका फ्री पेमेंट करना है वो आपको DD के थ्रू करना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार CSVTU TU भिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट, इसेंसर क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पर इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है पोजिशन निकाली गई। तो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ये पोजिशन जो टेम्परेरी है। इसेंसर क्वालिफिकेशन में आपका BE BTEC ME MTEC होना चाहिए 11 डिसिप्लिन में। ठीक है, और यहाँ पे डिजायरेबल है अगर आपका PhD है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्सेज, सब में जो है यहाँ पे जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 60 ईयर्स है। कंसोलिडेटेड एमोलूमेंट जो है वो आपका 62,547 पर मंथ रहेगा। फॉर SC ST कैंडिडेट द कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर फ्री रिबेट। तो अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट प्रूफ एज अ प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे द डेट एंड टाइम स्लॉट फॉर द वॉक इन इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ओनली इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ पे डेट और टाइम जो रहेगा आपको वॉक इन इंटरव्यू का वो आपका जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाके जाना है आपको लेके, इंक्लूडिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विद अ फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉलोइंग विद द एंगेजमेंट कैन बी डिड। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके और आपके जो है यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो आपको लेके जाना पड़ेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सेट जो है आपका ऑल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन के लिए लाना पड़ेगा जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी TA DA कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे आपको अपना पैसा खर्च करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर पोस्ट जो है वो बढ़ भी सकती घट भी सकती है, वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मेंशन कर रखी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक से जो करिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।